नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं जितेंद्र गुप्ता, कृष्णानगर विधानसभा के अनारकली वार्ड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे बीच नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष भाजपा से दिनेश वर्मा जी मौजूद हैं इस वक्त। हम इनसे सीधे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। दिनेश वर्मा जी, सर मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपको जो पार्टी ने एक जिम्मेदारी सौंपी है मंडल अध्यक्ष की, तो आने वाला क्या प्लान है आपको, आपका मतलब पार्टी को लेकर कैसे लेकर चलेंगे आपको? सर, आने वाले टाइम में, वैसे तो खैर पहले से ही हमारे जो निगम पार्षद हैं श्रीमती रेखा दीक्षित अपना समय समय पर अपना काम करती रहती हैं। अभी पीछे कोरोना काल में सभी कर्मचारियों को साथ लेकर उन्होंने एरिया में सैनिटाइज करवाया और अभी सभी कर्मचारियों को लेकर सफाइयां करवाई इलाके में, तो और आगे अपना ये विचार है कि सभी क्षेत्र में जाकर सफाई हो, लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और उनकी समस्याओं को समाप्त किया जाए। सर, आपका राजनीतिक जर्नी है लगभग कितने वर्षों से जुड़ी हुई है? सर, मुझे लगभग 25 साल हो गए इस राजनीति में। 25 साल जुड़े हुए हैं जी। तो सर, कृष्णनगर विधानसभा यहाँ के जो भी विधायक हैं, तो कैसा रोल है सर क्षेत्र को लेके, आम आदमी पार्टी को लेके? सर देखिए, मैं क्या बोलूँगा, अगर बोलूँगा तो ऐसा लगेगा जैसे मतलब मैं अपनी पार्टी की वजह से बोल रहा हूँ, लेकिन क्षेत्र में कभी उनको देखा नहीं जाता जी। कभी उनसे अगर बात की जाए तो वो एक पार्टीवादी वाली बात करते हैं कि मैं नहीं जानता जी आपको जी। अगर मैं सोचूं कभी मैं मंडल का आदमी हूँ और क्षेत्र के समस्या पे ध्यान देना हमारा काम बन जाता है जी सर। अगर कोई आदमी कहता है कि सीवर की दिक्कत है, परेशानी है सर, सीवर जाम है, सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है, तो सर ये कॉरपोरेशन पे नहीं आता, ये सीधा दिल्ली जल बोर्ड पे जाता है। और जल बोर्ड की समस्या जो हमारे एस के बग्गा जी के हाथ में है, अगर हम वहाँ जाते हैं, पहली बात हमारा बनता नहीं, फिर भी अगर हम जाते हैं तो हमारे वो मान सम्मान नहीं करते हैं, मतलब काम को लेकर जागरूकता नहीं है, जागरूकता नहीं है। इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा अफसोस लगता है कि भाई आप विधायक हो जी, आप पार्टीवादी ना करें, आप क्षेत्र का काम करें, जनता को देखें, लेकिन वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, मुझे इसका बड़ा खेद है। सर, कृष्णा और आपके विधानसभा यहाँ से जैसे विधायक रहे हैं अपने 20 साल से हर्षवर्धन जी, उसके बाद से मतलब नहीं जीत पाए यहाँ का भाजपा का विधायक, वो तो एक केंद्रीय मंत्री मंडल में चले गए, तो क्या वजह है इसके सर, हार का कारण क्या है? सर, हार का कारण पब्लिक थोड़ा सा लालच में आ जाती है। अब बिजली पानी फ्री देख लो या क्षेत्र के समस्याएं देख लो, आपने बिजली पानी देख लिया लेकिन सड़कें सारी जर्जर हुई पड़ी है, पानी नहीं आता, पानी सर पीने के लिए पानी नहीं है, इतना गंदा पानी है कि आप कहते हैं कभी एक गिलास में भर के देख लो, हमें दिखाते हैं, हम लोग जाते हैं कि ये क्या है, हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, और क्योंकि वो काम हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो इसलिए सर हमें बड़ा दुख लगता है कि डॉक्टर साहब हर्षवर्धन जी हमारे साथ में थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम तुरंत कोई भी कार्रवाई होती थी उसको जाके करवा लेते थे, और वहाँ ये लगता था हम खुद अपने हाथ से कहते जो हमारे जेई वगैरह है या जिनके जरिए हमने काम करवाना है वो हमारे अंडर में, अब हमारी वो सुनते भी नहीं है जी। वो कहते ये हमारे पास सिस्टम नहीं है, अगर सीवर के ढक्कन चेंज कराने तो कहते हमारे ढक्कन नहीं है जी, और मतलब इसी तरह से टालम टोल करते रहते हैं। सर, एमसीडी को लेकर कैसा रोल है यहाँ पे? एमसीडी को लेकर सर ऐसा है, हमारे क्षेत्र में तो किसी प्रकार की कोई कमी है नहीं, साफ सफाई हमारे क्षेत्र में ठीक है, और आगे जहाँ भी कोई कमी पेशी है, देखो इसमें निगम पार्षद का पूरा रोल नहीं बनता, क्षेत्र की जनता का भी कुछ रोल बनता है इसमें। अगर हमारे निगम पार्षद ने ये बोला है कि भाई अगर कोई कमी पेशी है तो आपके पास निगम पार्षद का नंबर है, आप फोन करके कंप्लेंट करिए, आपके RW बनी हुई है, RW के अध्यक्ष किस लिए बने हुए हैं, आपके क्षेत्र में कमी है तो निगम पार्षद फोन कर तुरंत काम होते हैं, अब निगम पार्षद तो हर जगह चक्कर नहीं लगा सकता ना, तो इसलिए कहते हैं बात यही है, हम लोगों ने भी अब शुरू किया, कोई बात नहीं, अगर निगम पार्षद हमारा नहीं जा सकता है तो हमारा फर्ज बनता है हमारे मंडल की टीम, और हम कहते हैं क्षेत्र में जाकर जो जनता की समस्या है हम उसको सुनेंगे और उस पर कार्रवाई करवाएंगे। सर, कोरोना काल को देखते हुए जैसे आपने देखा पूरे देश भर में जब कोरोना महामारी फैली, 23 मार्च को लॉकडाउन लगा सर, उस दौरान और अभी तक आपकी क्या सेवा रही उस मजदूरों के लिए या प्रवासी मजदूरों के लिए? सर, इसके लिए तो बहुत बड़ा रोल हमारे निगम पार्षद जी श्री रेखा दीक्षित जी है, हमारे भाई शर्वन दीक्षित जी है, उन्होंने सर जिस टाइम ये लॉकडाउन लगा था इसके 15 दिन के बाद ही अपने कोटे से उन्होंने पैसा इकट्ठा कर, मतलब पैसा अपने पास ही लगाया, दाल के कट्टे, चावलों के कट्टे, सर आटे की मतलब पैकेट लेकर आए थे, वो हमने खुद अपने हाथ से पैकेट बना के ना घरों में मतलब जो लोग परेशान थे उनको मतलब पहुँचाए थे। और सर जो प्रवासी मजदूर जो जा रहे थे ना, हमें दुख बड़ा था कि ये हो क्या रहा है सर, उनको बरगला दिया गया कि मतलब बसें जा रही हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, उनको अगर रोका जाता तो वो रोक सकते थे, लेकिन अब उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी, जब जा रहे थे ना हम लोगों ने सर यहाँ से भंडारा बनवा के ना
भूखे प्यासे लोग थे उनको भंडारे में पैकेट बनवा के उनको पैकेट दिए, सर आप खाना लीजिए, आप में से कोई भूखा है खाना लीजिए, पानी लीजिए, हम पानी देकर आए थे, जो हमसे बन सकता था हमने उनके लिए पूरा किया। तो क्षेत्रीय सांसद जी का क्या रोल है, गौतम गंभीर है यहाँ के सांसद, गौतम गंभीर जी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है सर, उनके अंडर में काम करते हैं, कोई और समस्या अगर होती है हम उनके पास लेकर जाते हैं, वो समय पर उस कार्यक्रम को उस समस्या को ख़त्म कराते हैं वो। सर मैं ये जानना चाहूँगा जैसे भविष्य में अगर पार्टी आपको टिकट दे 2022 में नगर निगम की, तो आप इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए? सर ये पार्टी का नेतृत्व है, सेवा करनी है हमें, हमें टिकट से मतलब नहीं है, पार्टी हमें जिस रूप में भी कार्य देगी हमें वो मंजूर है, बस टिकट से कोई मतलब नहीं है, पार्टी हमें जिस रूप में सेवा देगी हमने सेवा करनी है और सेवा कर की है, सेवा करेंगे, सेवा करते आए हैं बस। सर एक सवाल हो रहा है आपसे, जब कल का आपका आप देख रहे हैं प्रोग्राम है दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, सर हमने तो ये कार्यक्रम रखा है कि हमारे जो मंडल में जो समितियाँ आती हैं, क्योंकि समिति लेवल पर ही हमने काम कराया है, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है इसमें हम ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकते हैं, डिस्टेंसिंग बनानी ज़रूरी है, तो हमने अपने सभी समिति अध्यक्षों को ये बोला है कि अपने घर में अगर आपकी पार्किंग है तो पार्किंग वेस पे कर सकते हैं, नहीं तो एक अपने कमरे में ही दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर लगाकर उस पर एक फूलमाला चढ़ाकर पुष्प अर्पित करें, दीपक जला सकते हैं और उनके सामने अपने परिवार के ही लोग खड़े हों, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो राष्ट्रगान ही कर लें, तो बस मेरी यही सभी से कहते हैं ये तैयारी हमने की हुई है और सभी को हमने कहते सूचना दे रखी है, कल हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मदिवस है उनका, उसके उपलक्ष्य में सभी समिति अध्यक्षों को हमने सूचना दी हुई है। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात दिनेश वर्मा जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।